रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में लगातार जो रिफ्ट की बात हो रही है, जो लगातार तनातनी की बात हो रही है, और उसके बाद अब खबर आ रही है सोर्सेस से, और सोर्सेस में जो खबर मिल रही है वो ये है कि साउथ अफ्रीका दौरे के बाद बीसीसीआई दोनों ही खिलाड़ियों के साथ बैठने वाली है और बैठकर बातचीत करने वाली है। और जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि रोहित शर्मा इंजरी की वजह से ऑलरेडी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, जबकि विराट कोहली पर भी तमाम खबरें आ रही थी कि वो ओडीआई सीरीज से बाहर हो जाएंगे। और खबर ये भी आई कि जिस दिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को एक कैंप में इकट्ठा होना था, एक जगह यूनिट में आना था और उसके बाद क्वारंटीन पीरियड में जाना था, वहां पर रोहित शर्मा तो जरूर पहुंच गए थे लेकिन विराट कोहली नहीं थे। और जब रोहित शर्मा वहां से बाहर हुए इंजरी की वजह से, उसके बाद जाकर विराट कोहली टीम के साथ जुड़े हैं। तो ऐसे में तमाम जो कयासों का बाजार है वो गर्म है और लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। और इसी चीज को लेकर के अब जो खबर मिल रही है सोर्सेज से वो ये है कि बीसीसीआई दक्षिण अफ्रीका दौरे के समाप्त होने के तुरंत बाद इन दोनों ही खिलाड़ियों के साथ मिल बैठ करके बातचीत करेगी और आखिरकार जानने की कोशिश करेगी कि परेशानी है कहां पर। आपका क्या मानना है इस खबर के ऊपर में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।